टीचिंग की एबीसीडी स्टार्ट यहां से होती, ए फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ में ऑब्वियसली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो अथॉरिटी भी आपकी। मैं आपको आज टीचिंग की, वैसे मेरा आज का टॉपिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी एबीसीडी बता देता हूँ, चार चीजें जो मुझे बहुत जरूरी लगती है। कि एबीसीडी क्या है, ए फॉर अथॉरिटी, इट मीन्स ये कि आप उस क्लासरूम में अथॉरिटी के तौर पर है, आप पावरफुल है वहां पर। यदि आप पावरफुल है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी, जिसके पास भी अथॉरिटी होती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आपके अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल भी करना आपको आना चाहिए और आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना चाहिए। आपकी अथॉरिटी यह है कि जो है वहाँ सवाल आप करेंगे, क्लासरूम आपके हिसाब से कंडक्ट होगी। ये नहीं कि हमें कोई तानाशाही दिखाना है, लेकिन कौन बच्चे कहाँ बैठेंगे ये हम तय करेंगे, कौन सी चीज किस तरीके से होगी वो हम तय करेंगे। वी आर द डिसीजन मेकर देयर, ठीक। ए फॉर, आप ये भी लिख लेना एबीसीडी आप टीचिंग में, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी फॉर व्हाट, बिहेवियर एक बड़ी चीज है, लेकिन हम यहाँ बी फॉर रखते हैं। बिहेवियर तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी चीज है, बिहेवियर तो सभी को ही चाहिए। अच्छा स्टूडेंट का भी अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, टीचर का भी अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, काइंडली पैसा आना चाहिए, तो सब बातें हैं ही सही, इसमें तो मतलब वो तो है ही सही। लेकिन यहाँ बी फॉर में दूसरी चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, बिजी बच्चे, यदि आप यदि चाहते हैं कि आपकी क्लासरूम में बच्चे जो है चुप बैठे शांति से आपको सुने, तो ये जरूरी है कि बच्चे बिजी रहें। यदि वो बिजी नहीं है आपकी क्लासरूम से मस्ती आती रहेगी, फिर आप चिल्लाते रहो कीप क्वाइट करते रहो, कुछ नहीं होना जाना है, ये नॉनसेंस बातें हैं। कोई कीप क्वाइट कर रहा तो भी मैं एक दो चीजें तो मुझे और भी आ रही है, कीप क्वाइट करते तो ठीक है, ऐसे भी करते हैं तो फिर जो है मतलब जो है वो क्या रहता है कि भाई सब्जी मार्केट में और आपकी क्लासरूम में फर्क क्या है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने वाला नहीं हूं, हैं कि 10 रुपए पाओ, ऐसा नहीं करना है हमें। क्लासरूम में हमारा यदि टाइम इसमें ही बर्बाद हो रहा है, चुप रहे कीप क्वाइट, ये सब में बर्बाद हो रहा है, इट मीन्स हम एक सब्जी बेचने वाले, मतलब सब्जी ही बेच रहे हैं समझिए, वहां पर सब्जी बेचना बुरी बात नहीं है, हिम्मत मत सोचना, तो सब्जी ही बेच रहे हैं, क्योंकि आप उसको उस तरीके से जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अपना क्लासरूम मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव नहीं है, आप लोग इफेक्टिवली पढ़ा नहीं पा रहे, इसलिए उस क्लासरूम में आपको जो है बार बार आपको परेशान होना पड़ रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है, क्योंकि बच्चों को आप बिजी नहीं रख पा रहे हैं, इफेक्टिवली बिजी नहीं रख पा रहे। बिजी कैसे रहेंगे, या तो वो पढ़ेंगे तब बिजी रहेंगे, या आप पढ़ाएंगे तब बिजी रहेंगे, या तो आप पढ़ रहे हैं आप समझा रहे हैं वो सुन रहे हैं तो बिजी रहेंगे, या वो लिख रहे हैं तो बिजी रहेंगे, या कोई वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो बिजी रहेंगे। आपके साथ अक्सर होता ही है कि आप किसी एक बच्चे को पढ़ाने बैठ गए, एक बात बताने बैठ गए, बाकी पूरी क्लास मस्ती कर रही है। इसलिए ऑलवेज ये सोच के चले कि हम एक मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कि हम हैं और आगे पूरे सामने पूरी जनता है, वो सबके सब कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो सबके सब एक पार्टी है, हम एक पार्टी है, हमारा कम्युनिकेशन जो है उनके बीच में हो रहा है। यहाँ 10 बच्चे 100 बच्चे 50 बच्चे नहीं गिनेंगे हम, हमारे लिए वो एक ही है, तभी जाकर के तो आप जो है वो सुनेंगे। आप एक से बात करें तो बाकी सब नहीं सुनेंगे, इसके लिए जरूरी है आप बोर्ड पर रहें, इसके लिए जरूरी है वो वहाँ पर रहें। और बेसिक बात है, सवाल सब बात सबके लेना है, क्वेश्चन सबके ले सकते हैं, लेकिन 1-to-1 नहीं होना चाहिए वो, पूरा 1-to पूरी क्लासरूम, तो बच्चे बिजी ज़्यादा रहेंगे। फिर हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका ऐसा प्लानिंग हमारे ऐसी होना चाहिए कि हम इतने टाइम में ये करेंगे, लेक्चर देंगे, इतने टाइम में इनको क्वेश्चन करने के लिए देंगे, इतने टाइम राइटिंग के लिए देंगे, और इतने टाइम फिर लास्ट में 3-to-1 स्ट्रेटजी है वो अपनाएंगे। तो क्या है, बच्चा बिजी रहेगा, बिजी रहेगा तो वो ऑब्वियस सी बात आवाज़ नहीं आएगी। बिजी रखना ही मेन फंडा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइम हम अट्रैक्टिव नहीं हो सकते हैं। शुरू कभी कभार कोई व्यक्ति बड़ा इफेक्टिव होता है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत सब्जेक्ट में थोड़ा नॉलेज भी अच्छा है, ठीक ठाक है, तो शुरुआत में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, पर फुल टाइम अट्रैक्टिव बना रहना पॉसिबल नहीं है, कि नहीं ऐसा होता ना,
शादी करने जाते हैं तो पहले दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे दिन भी मतलब ये शुरुआत का एक आध महीना बड़ा अच्छा लगता है, बाद में तो फिर तो अट्रैक्टिव आप हमेशा बने नहीं रह सकते। इसलिए आपको जो है ऐसी इस तरीके से कंसिस्टेंट वे में रहना पड़ता है कि जो है बच्चे बिजी रहे। ओके, ए फॉर यूटिलाइज योर अथॉरिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी फॉर मेक देम बिजी, बिजी बना कर रखो बच्चों को, बिजी रखो है ना, फ्री रहने का काम ही नहीं। सी सी फॉर सी से तो बहुत सारी चीज आती है, कम्युनिकेशन है, कंटेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे मैं पहली चीज बोलूंगा वो है क्या है, कंटेंट। आपके पास होगा तभी तो दे पाओगे, आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है और जाकर के फिर बत्ती दोगे आप, आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बत्ती दोगे आप, आपको जो है खुद आप कंफ्यूज है उस सब्जेक्ट को लेकर के, टॉपिक को लेकर के। तो कंफ्यूज व्यक्ति दूसरे को कंफ्यूज ही कर सकता है, पढ़ा नहीं सकता उसको, उसको क्लियरिटी नहीं दे सकता है। जब खुद को ही कंफ्यूजन है किसी चीज में तो दूसरे को क्लियर कैसे करेंगे, बताइए आप। आज जो भी आप कोई भी किसी को भी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल ही है, पहले टीचर नहीं रहा और डायरेक्ट प्रिंसिपल बन गया, बहुत मुश्किल है उसके लिए स्कूल को संभालना, बहुत मुश्किल है उसके लिए टीचर को समझना। फिर क्या होगा वहाँ, हर दूसरे तीसरे महीने में टीचर गायब हो जाएंगे, फिर जो है वो टीचर ही हायर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सब चलता रहेगा। आप मतलब आपको कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो उसकी बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप भले आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे ना, मतलब आपका फिजिक्स में आप भले आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं लेकिन फिजिक्स तो आपके 11th 12th से स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना रहता है। और बेसिक से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आप में जो है आपको अंडरस्टैंडिंग रहती है, इस वजह से आप इफेक्टिव वे में काम कर पाते हैं। वेल, मैं यहाँ वापस आता हूँ, ए फॉर अथॉरिटी, बी फॉर है ना मेक द स्टूडेंट बिजी, सी फॉर कंटेंट। आपके पास जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका भरपूर नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें। और जब तक हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमें उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए, नहीं है अब हमें याद नहीं आ रहा है तो उसके यूट्यूब पे वीडियो देख लो, उसको पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, चार बार पढ़ लो। लेकिन जब तक हमें वो बात क्लियर नहीं है तब तक हम यदि वो उसको लेके जाएंगे तो हम लोग नहीं समझा पाएंगे। यदि ये मैंने अभी ये 3-2-1 कैसे पढ़ा और मान लीजिए पढ़ते से ही मैंने ऐसे उठा कर मैं ले आया, मैं खुद इसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, और समझाऊंगा तो फिर वो कन्फ्यूजन ही रहेगा। तो कन्फ्यूजन से तो अच्छा है, एक किसी ने बोला था कि आप डिसीजन नहीं ले सकते तो अच्छा है कि आप डिसीजन ना ले, मतलब किसी स्थिति में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अच्छा है कि आप निर्णय ना ले, निर्णय ना लेना भी एक अच्छा निर्णय ही है कभी कभार, है कि नहीं, हमेशा निर्णय लेना जरूरी नहीं। वेल, डी फॉर व्हाट, डी फॉर डिसिप्लिन होना चाहिए, डी फॉर क्या, डिटरमिनेशन होना चाहिए, डी फॉर और बोलिए, डेडिकेशन होना चाहिए और बोलिए, टीचिंग में और क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन होना चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए डायरेक्शन भी है ऑब्वियसली बात है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ अथॉरिटी वगैरह में आएगी, यहाँ यहाँ भी तो आप डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देंगे जो है कहें आपकी उसमें डेडिकेशन भी है, ऑब्वियसली बात है डेडिकेशन है तभी तो आदमी टीचर बना है। फिर जो है आप आपने क्या बोला, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है ना वो आउटकम है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो है वो हमें उपहार में मिलता है या हमें जो है हमारा अचीवमेंट के तौर पर मिलता है। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास जो है उसको प्रेजेंट करने का इफेक्टिव तरीका है, हमारे पास जो है क्लासरूम इफेक्टिवली मैनेज करने का तरीका है, हम बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो हमें आउटपुट के तौर पर मिलेगा कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट और एक डिसिप्लिन क्लास। तो डिसिप्लिन जो है हमारे पास होता नहीं है, डिसिप्लिन हमें मिलता है, हमें डिसिप्लिन हमारा हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल है ना। तो डिसिप्लिन हमारा फल है, बीज नहीं है, ये बीज है ना, ये खेती है और ये फल है, ठीक।
तो डिसिप्लिन जो है फल है। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये सब भी ये तो ये बिहेवियर का पार्ट है इन जनरल, ये तो बहुत ऑब्वियस है और तो हर जगह होता है ना। यहाँ मैं डी फॉर बात करूँगा क्योंकि हम सिर्फ इफेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर डिस्कशन और ज़्यादा से ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ वर्ड इस्तेमाल करूँगा डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, उस टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको जो है टीचिंग एड्स इस्तेमाल करना चाहिए, आपको जो है क्राफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अपनी कोई क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ है वो इस्तेमाल करना चाहिए, आपको डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सब किस चीज़ के लिए, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आपके आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अब यदि चाहें तो दो मिनट में भी बात बोल करके ख़त्म भी हो सकती है, पर हमें वो बात खाली बोलना तो है नहीं, हमें तो वो बात जो है उसके दिमाग में बिल्कुल पहुंचाना है, उसके तक वो पहुंचना ही चाहिए। इसलिए हम जो है उस पर ज़्यादा उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा उसको एलोबोरेट करते हैं, तो इसलिए डी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। ऑल राइट, तो मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ कि व्हाट आर द ABCD। आप ये देखो, ये हमेशा के लिए कोई फिक्स नहीं हो गई है, अपना अपने हिसाब से ले लिया मैंने। ABCD आप इफेक्टिव टीचिंग, ए फॉर व्हाट बोलिए, अथॉरिटी एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती ही है, इसलिए अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ए फॉर टीचर, अपनी अथॉरिटी कई बार हम इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे जो है वो कई बार हमें हुक्म देते हैं और हम जो हुक्म सुन भी लेते हैं। आपने यदि किसी को शुरुआत में नहीं रोका तो बाद में भी आप रोक नहीं पाएंगे। बच्चों से हमें फ्रेंडली रहना, लेकिन फ्रेंड बनना नहीं, ये बात ध्यान के रखिए, फ्रेंडली रहना है, फ्रेंड नहीं बनना है। हम जो है यदि बच्चे को थोड़ा अलाउ किया तो वो फिर ज़्यादा भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें उसको एक अच्छा करेक्टर वाला व्यक्ति बनाना है, हमें उसको जो है एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनाना है। तो जो है वो हर चीज़ ला रहा है, हर चीज़ की यदि हम तारीफें करते जाएंगे, हम हर चीज़ यदि टॉलरेट करते जाएंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे गड़बड़ भी होती जाएगी। हम बींग ए टीचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बच्चा जो है स्कूल में एनिमल पिक्चर की तारीफ कर रहा है, क्या सीख रहा है उसमें से वो, हम ये स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो, अभी आपने देखा होगा स्कूल का वीडियो आया, वो छोटी सी लड़की वो डांस कर रही, इन्होंने कौन सा वो कपड़े उसके से पहना दिए, ऐसा कैसे कर सकते हैं स्कूल में। देखिए, आप और हम लोग जिस एज के हैं, हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने बचपन में रामायण देखी है, हम लोगों ने बचपन में जो है महाभारत देखी है, श्री कृष्ण लीला देखी है, जय हनुमान देखी है ना, हमने ओम नमः शिवाय देखी है ना, हमने शक्तिमान भी देखा है। अब ये सब चीज़ें किस बारे में थी, आपको एथिकली साउंड बनाने के लिए थी, है ना, किसी का बुरा मत करो, न्याय से चलो, ढंग से रहो। अब आज का बच्चा क्या देख रहा है, एनिमल, उसमें वो गला देता है सर, है अभी वो क्या देख रहा है, स्त्री है, लेकिन उसमें स्त्री नाम की एक चीज़ नहीं है, पिक्चर का नाम स्त्री है, नहीं स्त्री के नाम एक भी एक नहीं, कौन सी औरत ऐसे डांस कर रही है आज की रात, कोई नहीं डांस कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली जो बच्चा देख रहा है उसके दिमाग में क्या जा रहा है, उसके दिमाग में नहीं जा रहा है स्त्री मतलब यही होता है, जब कैसा नहीं होता है, तो हमने तो क्या वो देखा है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में था, पर बच्चे वो भी देख रहे हैं जो है मतलब बस अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए जो भी परोस दिया है वो देख रहा है और वो उसको ही सही मान रहा है। तो हमें हमारे अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है और हमें जो है जो सही है वो चीज़ सामने लाना है, हमें उसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ बेहतर हो। क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करते हैं, उस चीज़ को हमें रोकना है। वेल, ए फॉर बी फॉर कीप स्टूडेंट बिजी, है ना, राइटिंग करवाओ, रीडिंग करवाओ, कुछ भी बिजी रहना चाहिए। सी फॉर बी कंटेंटफुल, खूब सारा कंटेंट होना चाहिए, वो चीज़ का वो बहुत नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज इतना नॉलेज के ज़्यादा संभालना पड़े, बस 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 बस। डी फॉर ओके, तो आई होप कि ABCD इज क्लियर टू यू, ओके, रेडी फॉर 3-2-1 स्ट्रेटजी। अब आप लोग तीन चीज़ें बताएंगे क्या सीखी,
इस डिस्कशन में तीन वर्ड आपको बताना है, आपको दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना है, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, एक क्वेश्चन जो अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है लिखो। दो इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो फैक्ट या दो बातें जो आपको अच्छी लगी, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो आपको, जो अच्छा लगा बेकार था ये सब, तो ये सब बोलो बेकार था। आपको क्या अच्छा लगा हैंड रेस करो ना भाई, आप लोग क्या बैठने के लिए आए हो क्या? हाँ दो फैक्ट बताना, दो। चलो भाई आ जाते हैं, आ जाओ सर। हाँ दो फैक्ट सर। नई ए बी सी डी सीखने को मिली, मतलब जैसे ए फॉर एप्पल ही नहीं हो सकता, ए फॉर अथॉरिटी भी हो सकता है। हाँ। एक चीज ये हो गई, और उसके अलावा बच्चों को किस नए, मतलब कुछ नए नए तरीकों से हम क्लासरूम में बिजी रख सकते हैं, तो बिजी रखेंगे तो हमारे क्लासरूम डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके वेरी गुड, क्लैप फॉर हर सर। वो चलो कार्ड आपको देते हैं दो मिनट। ओके आप कोई दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलना चाहते हैं? यस दो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बच्चों को पढ़ाने से पहले कुछ कंटेंट होना चाहिए टीचर्स के पास। हाँ। कि वो पढ़ा सके उन्हें, उसके बाद बच्चे बिजी रहें क्लास में, ऐसा कुछ हम करें कि वो सभी लगे रहें। अच्छा। जैसे कुछ बच्चे को होमवर्क के लिए दे दें, किसी बच्चे को ओरल के लिए खड़े कर दें, सबको एक साथ एक जैसा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ ओके वेरी गुड, क्लैप फॉर हर आल्सो। चलो आपको ये क्वेश्चन जो रह गया। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें बिजी रखना है स्टूडेंट को, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन कर, हाँ मैं क्वेश्चन ही पूछ, हाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपने अभी हमें समझाया एज अ टीचर और हम सभी स्टूडेंट बन के सुन रहे थे, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो थे उन्होंने मतलब लिखा नहीं, मतलब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, तो आपने आप बोला ऐसा कुछ समझ रहे कि मैं ना समझूं? नहीं नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, आपने लिखा है ना वो क्वेश्चन पढ़िए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब टीचर जस्ट क्वेश्चन, हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ा भी रहा हो लेकिन फिर भी आधे बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, तो फिर क्या करना चाहिए सर? बच्चे डिस्टर्बेंस करे तो हम क्या करें? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। क्या बच्चों को मतलब हमेशा अथॉरिटी के साथ ही काबू किया जा सकता है? क्या बच्चों को हमेशा अथॉरिटी के साथ काबू किया जा सकता है? जवाब देंगे इसका, ठीक है। वेल क्लियर फॉर हर। तीन चीज़ें जो आपने सीखी हो, कौन हैंडरेस कर रहा है? आपने किया, आपने किया, चलो ठीक। तीन चीज़ें जो आपने सीखी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मोर नॉलेज प्रोवाइड्स टू स्टूडेंट्स मोर डिटेलिंग अबाउट देयर टॉपिक। ज़्यादा डिटेलिंग होना चाहिए, ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट अप्रिशिएट एंड मोटिवेट देम। अप्रिशिएट करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट यूज डिफरेंट वेज टू एनहेंस देयर नॉलेज और अलग अलग तरीके, लाइक प्रोजेक्ट वेज और डायग्राम और पेंटिंग्स एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए। थैंक यू। ओके क्लैप फॉर जया मैडम आल्सो। ओके आप भी तीन चीज़ें जो आपने सीखी है। हाँ आप भी रहिए। थैंक यू सर। सर पहली चीज़ हम लोगों ने सीखी है कि क्लास को मैनेज कैसे किया जाए। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है क्लास चुप नहीं रहती है, तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने सीखा है कि क्लास को मैनेज कैसे किया जाए। तो यदि आप क्लास को बिजी रखेंगे तो ऑलरेडी क्लास मैनेज हो जाएगी। दूसरा है पढ़ाना कैसे है, जैसा आपने अभी बताया कि आपके पास अगर कंटेंट होगा तो बच्चे सुनेंगे भी सही, तो हाउ टू टीच ये भी मैंने सीखा है यहाँ पे। और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो वन टू ऑल कम्युनिकेशन होना चाहिए, वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, वन टू वन कम्युनिकेशन कम होना चाहिए। वेरी गुड। चलो क्लैप फॉर जितेंद्र सर आल्सो। इनको भी तनख्वाह मिलती है भाई। चलो हाँ मैडम तीन चीज़ें जो आपने सीखी है। सर आई लर्न अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड प्रेज देम इफ दे आर डूइंग गुड जॉब और आई शुड मेक देम अंडरस्टैंड इफ दे आर नॉट डूइंग गुड जॉब। ओके एंड आई हैव टू बी क्लियर रिगार्डिंग माई टॉपिक। वेरी गुड क्लैप फॉर सोनिया मैडम आल्सो। ओके वेरी गुड। तो ये रहा हमारा 3-1 आज के टॉपिक का, और जो कि बहुत शानदार रहा। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने किए, जिसमें से एक क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँगा कि क्या हम अथॉरिटी इस्तेमाल करके बच्चों को हैंडल करना चाहिए? मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, अथॉरिटी वाली फीलिंग नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों से पहले कई बार डिस्कस किया है कि चार टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है, अथॉरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव और कम्युनिकेटिव। ये अथॉरिटेटिव इट मीन्स ये कि अपना पावर दिखा के काम करना। ऑटोक्रेटिक इट मीन्स ये कि बिल्कुल हिटलर की तरह, मतलब जो ये नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। और कम्युनिकेटिव इट मीन्स अपनी बातचीत के माध्यम से करवाना। और
पार्टिसिपेटिव इट मीन्स हम उसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न जमाने के जो तरीके हैं वो तरीके हैं आपका पार्टिसिपेटिव और कम्युनिकेटिव वे, आप काम को बातचीत के थ्रू अच्छे इफेक्टिव बातचीत के थ्रू करवाएं। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि भाई आपका जो तरीका है वो तो कम्युनिकेटिव और पार्टिसिपेटिव ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी है तो आप अथॉरिटी ना, है तो फिर भी आप अथॉरिटी। यदि मान जैसे कि मैं हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं आप लोगों से भी कोई काम को बहुत जो है अपनी बातचीत के थ्रू करवा रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, स्कूल को क्या फ़ायदा होगा, इस तरीके से भी मैं काम करवा रहा हूँ। इट मीन्स मेरे अथॉरिटी तो है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कम्युनिकेटिव वे में उस काम को करवा रहा हूँ। मैं यदि जैसे कोई मान लीजिए आपको चीज़ नहीं आ रही है, तो मैंने जैसे आप सिस्टम लेके बैठे हो, कंप्यूटर लेके बैठे हो, आपको नहीं आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये ऐसे ऐसे कर लो, आप ये हो जाएगा, है ना। आप जैसे आपको बहुत सारे सिस्टम है एक्सेल सीट वगैरह आपको नहीं आ रही है, तो मैंने बता दिया ऐसे आप कर लो। जैसे आप एक 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 करके नीचे आते हो एक्सेल सीट में, तो मैं बोलता हूँ आपको कि आप जो है इस साइड में कंट्रोल दबाओ और फिर जो है उसको आप नीचे लाओ, स्क्रॉल करो, एकदम से आप नीचे आ जाओगे। मान लीजिए आपको नहीं पता है, मैंने बता दिया, तो एक आप पार्टिसिपेशन हो रहा है, स्टिल अथॉरिटी तो है ना। तो अथॉरिटी यूज़ करना है, ये भूलना नहीं कि मैं टीचर हूँ क्लासरूम में, ये भूलना नहीं है कि मैं टीचर हूँ क्लासरूम में, ये भूलना नहीं है कि मेरा काम है क्रॉस चेक करना, ये भूलना नहीं है कि बच्चे जो है बैड लैंग्वेज यूज़ ना करें क्लासरूम में, ये हमें ध्यान रखना है। This is what I am using that word authority. कि आपकी अथॉरिटी है तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू, थैंक यू वेरी मच। क्लैप करो सभी, जोर से क्लैप करो, सपोर्ट करो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आप लोग भजिए खाइए, भजिए खाने के बाद एक और बात करेंगे।